तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का महाशिवरात्रि का पोस्टर ग्रुप वाला एडिटिंग करना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल आसान तरीके से, तो गाइस बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको इस पोस्टर का PLP फाइल एक जीप फाइल के अंदर है जिसमें पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी मिल सकता है। तो सबसे पहले उसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पिक्सल लैब है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपल से 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको एक नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेगा ओपन PLP फाइल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से भी आपको PLP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पोस्टर को PLP फाइल का जिप फाइल में रखा हुआ है, तो उसमें पासवर्ड आप जब आप लोग डालकर एक्सट्रैक्ट उसको करोगे तो आपका पोस्टर का PLP फाइल यहीं पर आएगा। तो मैं पिक्सल लैब में बनाया, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा महाशिवरात्रि पोस्टर 3 PLP। तो चलो गाइस मैं इसको ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर है, क्योंकि मैंने पहले से ही बहुत सारा पोस्टर का PLP फाइल बना कर रखा हूँ। तो गाइस अगर आप लोग डाउनलोड भी करोगे तो यही लिखा हुआ मिलेगा महाशिवरात्रि पोस्टर 3 PLP, तो उस पर आपको क्लिक करके ओपन एंडेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक बार बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर कुछ इस प्रकार से ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। और गाइस देख सकते हो कि मैंने 8 फ्रेम को ऐड किया है, तो जिसमें आप लोग अपने और अपने फ्रेंड का फ़ोटो ऐड कर सकते हो। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को एक फ़ोटो ऐड करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इनपुट पर क्लिक करना है। इनपुट पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यह आपको डायरेक्ट गैलरी के अंदर लेके जाएगा। तो चलो गाइस मैं एक फ़ोटो को चूज कर लेता हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को PNG फोटो नहीं बनाने आता है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ, तो जाकर आप उसको देखकर PNG फोटो बनाना सीख सकते हो। तो जैसे कि गाइस मैं ये वाला फ़ोटो को चूज कर लिया हूँ। चूज करने के बाद गाइस इसको आप जितना छोटा बड़ा रखना चाहते हो रख सकते हो। तो देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर आप लोग टच करके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जैसे कि मैं ये वाला इस फोटो को कुछ इस प्रकार से अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, तो इस तरह से आप अपने सभी डबों में सभी फ्रेम में अपने फ्रेंड का बारी बारी से फोटो ऐड कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।